हेलो स्टूडेंट्स, कोल्हान यूनिवर्सिटी मैथ्स मेजर सेमेस्टर वन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने जाएंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जानने से पहले आपको एक और थ्योरम जानना पड़ेगा जिसको हम लोग कहेंगे लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे और वो क्या कहता है जस्ट समझेंगे, इसको प्रूफ करने नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेकार प्रूफ करने से फ़ायदा नहीं है। तो इसको पहले समझ लेंगे कि ये क्या कहता है। इसको समझने का कारण ये है कि इस थ्योरम को यूज़ करके ही हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूफ करने जाएंगे। ओके, तो चलिए पहले लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम समझते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब देखिए ये हम लोग जानेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी हैव ऑपोजिट साइंस, मतलब ये फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइंस, ये समझना है आपको, then there is at least one value of x, at least one value of x for which fx is equal to 0। ठीक है, अब देखिए मतलब समझिए। मतलब कहता है कि आपका ये रियल नंबर लाइन पर ये एक क्लोज्ड इंटरवल है a b। अब इस a b क्लोज्ड इंटरवल में एक फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर इस तरह समझें कि ये है ए, ये है बी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी फंक्शन में ब्रेक नहीं आया है, राइट। परंतु देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं एफ ए, ये तो अभी पॉजिटिव दिख रहा है, राइट। ये देखिए एफ बी, जहाँ भी आ रहा हो, छोटा बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, ये देखिए, तो ये आपका जो एफ बी है ये भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों सेम साइन का है, राइट। मान लिया जाए ये कर्व आपका नीचे के तरफ होता, सपोज ऐसे होता, तो ये देखिए ये होता एफ ए जो होता नेगेटिव, राइट। ये देखिए ये होता एफ बी जो होता नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हमारा जो थ्योरम का कंडीशन है वो कह रहा है कि आपका एफ ए और एफ बी ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, मतलब इस तरह की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी को नेगेटिव होना है, और अगर एफ ए नेगेटिव है तो एफ बी को पॉजिटिव होना है, राइट। तो मतलब कहने का ये है कि कहानी कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये कहता है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, तो आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार का है, ऐसा। अगर ये एफ ए आपका पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एफ बी आपका नेगेटिव है। अब सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन को लाने में, ग्राफ लाने में कहीं भी पेन नहीं उठना चाहिए, तभी ना कंटिन्यूअस है। तो सोचो आप पॉजिटिव से लेके नेगेटिव के तरफ आ रहे हो तो एक बार तो ज़ीरो को क्रॉस करोगे, है ना। यही वो पॉइंट है जहां पर कहा जा रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम यही कहता है कि कम से कम एक बार ये ग्राफ ऐसे जगह से क्रॉस करेगा जहां एफ एक्स की वैल्यू है जीरो। अब कम से कम एक बार कहने का मतलब क्या है, जरा देखिए। मान लिया जाए कि आपका यही क्लोज्ड इंटरवल है और आपका फंक्शन थोड़ा उछल कूद करने वाला है, ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा। तो ये देखिए ये है आपका एफ ए जो पॉजिटिव है, ये देखिए एफ बी
जो नेगेटिव है। अब एफ ए से एफ बी आने में ये फंक्शन 1, 2, 3, 4, 5 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, मतलब 5 एक्स का वैल्यू मिल रहा है जहाँ एफ एक्स इक्वल टू 0 है। थ्योरम तो कहता है कम से कम एक बार मिलेगा। तो इस तरह से देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में कम से कम एक बार काटेगा ही, 0 मिलेगा, एक से ज़्यादा बार भी मिल सकता है। दिस इज लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान में रख के हम लोग आज बोलजानोस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूव करेंगे। चलिए बोलजानोस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, देखिए। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी एंड एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, देन एफ एक्स मस्ट टेक एट लीस्ट वंस ऑल वैल्यूज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आपका ये क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, इसके बीच में फंक्शन आपका डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है। तो ये जो देख रहे हैं, ठीक है ना, अब देखिए ये वाला है एफ ए, राइट। ये वाला देखिए, ये वाला है एफ बी। अब कहता है कि फंक्शन एफ ए से एफ बी के बीच जितना सारा वैल्यू है, जितना सारा नंबर है, सारा का सारा नंबर कम से कम एक बार जरूर अटेंड करेगा। देखिए कर रहा है ना, ये सब अटेंड कर रहा है, सारा अटेंड कर रहा है। यहाँ पर जाइएगा तो एक बार फिर से अटेंड करेगा कुछ कुछ। अगर ग्राफ को थोड़ा और अच्छा से बना दिया जाए, मान लीजिए इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, और आप ना ऐसे देखिए, ठहर जाइए, ये चलिए ये ए है और ये बी है। तो ये आपका आ गया एफ ए, और देखिए यहां से ये आ जाता है एफ बी। तो कहता है कि अगर कंटिन्यूअस है ए बी में जो कि दिख रहा है, और एफ ए और एफ बी अगर इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन एफ ए से एफ बी के बीच का जितना भी वैल्यू है, देखिए जितना भी ये सब वैल्यू है, सारा वैल्यू एक ना एक बार जरूर पकड़ेगा। तो ये देखिए पकड़ा है ना, ये देखिए हर जगह क्रॉस कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये तो यहां ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एफ ए और एफ बी के बीच का ही वैल्यू वो पकड़ेगा, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, दैट डजंट मैटर, लेकिन इनको तो लेना ही है। ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो अभी हम लोग यही प्रूव करने जाएंगे। अब इसमें एक मजा देंगे, इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है इस पर ध्यान दीजिए। इफ डी बी एनी रियल नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, ठीक है, जैसे मान लिया जाए अपना ये सपोज, मान लिया जाए यही है वो जगह डी, ठीक है। तो कहता है देन देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू थी। ये देखिए यहां काटा ग्राफ को, ये है आपका वो एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां काटा, ये है आपका वो एक्स, यहां भी काटा, ये है एक्स। तो यही कहता है देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स, ए का मतलब स्ट्रिक्टली एक नहीं, हो सकता है दो तीन हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन ऐसा रियल नंबर होगा जिसके चलते एफ एक्स इज इक्वल टू डी होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसको अभी हम लोग प्रूव करने जाएंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो वी टेक एफ एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, और हमारा गिवन है
एफ ए नॉट इक्वल टू ए पी एफ पी. अच्छी बात है, ठीक है. नाउ वी टेक डी एन आर्बिट्ररी नंबर अपने मन से कुछ भी सच दैट एफ ए लेस देन डी लेस देन एफ बी. यहां देखिए एक बात, इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा. एफ ए एंड एफ बी आर नॉट इक्वल, वो तो दिया हुआ, ये नहीं कहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये हम लोग मान रहे हैं. और ये जो डी है ये एफ ए और एफ बी के बीच का नंबर है. हम लोग यहां मान के चल रहे हैं कि एफ बी बड़ा है एफ ए छोटा है, जो कि दोनों अनइक्वल है. हो भी सकता था कि एफ ए छोटा होता एफ बी बड़ा होता, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. अब ये जो दूसरे स्टेटमेंट में डी लिख के रखा है ना, दैट्स वाई डी ले रहे हैं, ठीक है. हो सकता था अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट नहीं लिखा रखता तो यहाँ डी के जगह कुछ और ले लेते, के ले लेते, एम ले लेते, कुछ पकड़ लेते, तो वो चलता है. वी कंसीडर अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन मान रहे हैं एफ एक्स, ये बड़ा वाला एफ एक्स है, जी एक्स भी लिख सकते हैं. इसको अपन ऐसे मानेंगे एफ एक्स माइनस डी. अब जब ये वाला कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा डेफिनेटली, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस देयरफॉर एफ एक्स बड़ा वाला इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन ए बी. चलिए ठीक है. नाउ ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको ना ऐसे मान लिया जाए, वन नंबर काम आएगा. अगर हम लोग एफ ए निकालें तो ये कैसा आएगा, छोटा एफ ए माइनस डी आएगा. ध्यान से देखो, एफ ए छोटा है डी बड़ा है, तो अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर को माइनस कर रहे हैं ये नेगेटिव आएगा. ओके, यहां लिख देंगे. ये कहां से प्राप्त हो गया भैया आपको, इस रिलेशन से, राइट. एफ बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा एफ बी माइनस डी ग्रेटर देन जीरो, चूंकि एफ बी बड़ा है डी छोटा है, ये भी अपने को मिल रहा है फ्रॉम टू से. अब देखिए इसका मतलब एफ ए और एफ बी हैव ऑपोजिट साइंस, तो फ्रॉम लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम इस एफ एक्स को कम से कम एक बार जीरो होना चाहिए. एटलीस्ट वंस, ठीक है. से एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो मान लेते, यही वो वैल्यू है. तो इसका मतलब अपना जो एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तुम यहां देखिए इस जगह पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस डी है. तो अगर एफ एक्स जीरो करेंगे तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं ना कि एफ एक्स जीरो माइनस डी इज इक्वल टू जीरो. कहने का मतलब एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू डी. ये जो एक्स है जो भी है वो तो इंटरवल इसी में है, इसका मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट मिल गया. देयरफॉर अब इसको ऐसे लिखिए, सिंस डी इज एनी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, सो एफ एक्स टेक्स ऑल वैल्यूज बिटवीन एफ ए एंड एफ पी. चलिए आपका थ्योरम प्रूव हो गया.
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूव कर गए, ठीक है, अच्छा लगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, एग्जाम का क्वेश्चन जो होगा आप ये मत समझिएगा कि तब बड़का करके लिख के देगा, दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपको सीधा बोले प्रूव इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये करना है। हो सकता है आपको केवल ये इतना लिख के दे, तब भी आप यही प्रूव करेंगे। हो सकता है आपको इतना ही लिख करके दे, इतना लिख करके दे दे कि इफ डी बी एनी रियल नंबर बिटवीन इतना इतना देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू डी। हो सकता है आपके साथ थोड़ा गेम खेले एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने वाला, इस डी के जगह वो के या एम कर दे, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट से समझना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ रूट ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पूछा गया, ठीक है ना। तो चलिए आज की कहानी यही समाप्त, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।